और फिर सर इसमें आगे भी एहसास के एक तरफ तो ये देने का मामला था अंसार की तरफ से, और मुहाजरीन आगे से कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए, आप हमें बाजार का रास्ता दिखाएं। तो मौजूदा दौर में भी आपको बेशुमार लोग ऐसे नजर आएंगे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अखुवत फाउंडेशन, एहसास पर ही चल रही है कि जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानियत के लिए दर्द पैदा कर दे, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। जब बाप घर में अपनी बहनों का हिस्सा मार के ये समझता कि बहनें मुझे हिस्सा छोड़ दें या जब ये मेरी चीज बिकेगी तो मैं उनको पेमेंट दे दूंगा, हिस्सा देना जरूरी नहीं, एहसास जब उसको अपने माँ बाप का नजर नहीं आ रहा, माँ बाप की तकसीम कर दी, तो आपकी औलाद आपका एहसास कैसे करे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तखलीक का अमल शुरू किया तो फरिश्तों ने कहा कि बारी ताला ये दंगा फसाद और खून रेजी करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे से जवाब दिया था, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो ये जो अल्लाह जानता था वो शायद यही एहसास था।